पूरे प्रदेश भर से पधारे, जो एक एक पार्षद जीत के आए हैं, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। और जो पांचों महापौर बन के आए हैं और जो अध्यक्ष बन के आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। ये कमलनाथ जी की विशेषता है कि वो जो स्थिति जमीन पे होती है उसको समझते हैं, और इसीलिए शायद पहली बार ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिसमें कांग्रेस का एक एक जमीनी कार्यकर्ता नेता आज यहां पर विराजमान है। और जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे कि लगभग 8 साल पहले कांग्रेस के पास एक भी महापौर नहीं था, लेकिन आज अगर हमारे पास 5 महापौर हैं, और मैं तो यह भी मानता हूं कि उज्जैन में भी महेश परमार की जीत हुई थी, बुरहानपुर में भी कांग्रेस की जीत हुई थी, और अगर ये किसी की देन है तो जो कमलनाथ जी के 15 महीने थे, जिनमें उन्होंने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। कल महाकाल मंदिर में जो महाकाल फेज 1 का उद्घाटन किया गया, आखिर वो किसकी सोच थी, किसकी देन है? जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा महाकाल भगवान के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और अगर आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो महाकाल मंदिर परिसर के साथ साथ भोपाल की मेट्रो लाइन चालू हो जाती, इंदौर की प्रथम मेट्रो लाइन चालू हो जाती। लेकिन आप चिंता मत करो, अब सिर्फ 1 साल रह गया है, हम सबको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में जी जान से काम करना होगा। और सबसे विशेषकर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, विश्व कमलनाथ जी कहना चाहता हूं मैं, कि अगर हमें हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस को मजबूत करना है तो जो ऐसे पार्षद हैं जो 3, 4, 5 बार लगातार जीत के आ रहे हैं, इनको आप ट्रेनर बनाइए, इनको आप अपने अपने जिले में, हर शहर में भेजिए, और जिन वार्डों में हम कमजोर हैं, जो लगातार जीत के आ रहे हैं, उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए कि जो कमजोर बूथ हैं, उनको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम सब कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं। मैं आपके उनके बीच में और समय नहीं लूंगा। हम सब ये संकल्प लें कि जैसे कि 5 नगर निगमों में इतने साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है, आप एक पल के लिए सोचिए, विन संभाग का मुख्यालय रीवा नगर निगम कांग्रेस के पास, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 2 महापौर दोनों कांग्रेस के, और जो पनौती कांग्रेस में थी ग्वालियर में 57 साल की, वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती, और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे ने, और जो हमारे वहां के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सुरेश राजे जी हो, चाहे अन्य साथीगण हो, इन सब की मेहनत से 57 साल बाद शोभा सिकरवार जी को जीत मिली है। मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। उसी प्रकार से सोलंकी परिवार जो जीत के आया है मुरैना में, बाबूलाल जी का दुखद स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो गया था, तो इसलिए उनका परिवार यहाँ मौजूद नहीं है। और साथ में आखिर महाकौशल में तो जब हमारे पास इतने बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी आवाज पूरे देश में बुलंद होती है, तो अगर कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जबलपुर भी और छिंदवाड़ा भी, कांग्रेस ने जहाँ जीत हासिल की है बहुत सालों बाद, ये सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की मेहनत है। और प्रदेश भर में जनता चाहती है कि 2023 में पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।